नौकरी देने के नाम पर झांसा देकर रुपए ठगी के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में मेसर्स भीष्मा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नानवत कंपनी के कार्यालय में छापेमारी की गई, जहां कार्यालय में कागजातों की जांच उपरांत दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही टीम का गठन कर जाँच शुरू कर दिया गया है। उप कार्रवाई मंगलवार की शाम अनुमंडल कार्यालय के समीप की है। हिरासत में लिए गए लोगों में थाना क्षेत्र के मझुआ वार्ड संख्या 7 निवासी मनोज कुमार विश्वास एवं अमहारा मधुबनी वार्ड संख्या 9 निवासी नीरज कुमार सिंह प्रमुख है। पूछताछ में दोनों ने अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर बताया है। बता दें कि उक्त कंपनी के कार्यालय का शुभारंभ विगत 24 फरवरी को हुआ था। छापेमारी में SDO के अलावा थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु एवं पुलिस बल मौजूद थे। इधर कार्रवाई के बाद कंपनी के दोनों डायरेक्टर को थाना लाया गया, जहां पुलिस की पूछताछ जारी है। मामले के संबंध में पूछे जाने पर SDO सुरेंद्र कुमार अलवेला ने प्रियंका कुमारी नानवत महिला की शिकायत के उपरांत उक्त कार्यालय में छापेमारी किए जाने की जानकारी देते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर रुपए की ठगी किए जाने के आरोप में कार्रवाई की बात कही। उन्होंने संबंधित कंपनी के कार्यालय में कागजातों की जाँच किए जाने तथा NBFC से कोई मान्यता नहीं होने की बात कही। SDO ने कहा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी तब तक लोन देने का काम नहीं करती है जब तक सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है। साथ ही किसी भी बैंक से संबंध नहीं होने की जानकारी दी। उन्होंने इस तरह अवैध नेटवर्क चलने की बात कही। उन्होंने कार्यालय में जांच उपरांत किसान खाद वितरण योजना के कागजात पाए जाने की भी बात कही। इस बाबत उन्होंने टीम का गठन कर जाँच शुरू किए जाने की बात कही। जांचोपरांत गलत पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही। हालांकि कार्यालय के सामने लगे बोर्ड में जॉब सर्विस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग संबंधित कई तरह की सुविधा अवसर का लगे बोर्ड में जिक्र किया गया है। बहरहाल उक्त कार्यालय को जांच जारी रहने तक सील किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। मामला भी आया फर्जीवाड़े में। हाँ, प्रियंका कुमारी नाम की एक महिला ने शिकायत की है कि MS विश्वा करके सामने एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे झांसा देकर के पैसा ठगने का काम करता है। उससे भी वो पैसा 10,000 रुपया ले लिया, बार बार कहने के बाद भी वो पैसा नहीं लाया। यह स्पष्ट है कि इस कंपनी को जब हमने जांच पड़ताल किया तो ये कंपनी में बहुत सारे कागजात ऐसा मिले, आपत्तिजनक कागजात, जो कि ये कंपनी से कोई भी संबंध नहीं है। दूर दूर तक NBFC से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन दिलाने का काम नहीं करती है, जब गवर्नमेंट जब तक उसको परमिशन नहीं देती। साथ ही साथ इनके कंपनी को किसी भी बैंक से इंपैनल नहीं है कि जो ये लोन दिलाने का काम कर सकता हो। इसका एक हमें जैसा लगता है कि एक नेटवर्क चल रहा है। किसान खाद योजना का भी इसके कि यहाँ बहुत सारे रसीद मिले कि जो किसान खाद योजना के नाम से, जबकि PM किसान खाद योजना, जबकि PM किसान खाद योजना जो छपे हुए 275 रुपये। मामले की तहकीकात के लिए एक टीम बना दी गई है और वो टीम जाँच करके फिलहाल इनके दुकान को सील कर दी गई, सील किया जा रहा है। सील करने के बाद उसके जो भी मामले की जांच होगी उस पर विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई के ऊपर की जाएगी। दुकान